हमारे बट पे पिंपल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमाइए। फोरहेड की स्किन होती है उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खींची करके अपने निप्पल के ऊपर अच्छे से मसाज करिए। Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए इंटीमेट बॉडी केयर हाइजीन हैक्स। कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनको हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को कैसे अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि अंकित टीवी आपको देखना क्यों पसंद है, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो के एंड में जरूर फ्लैश कर दूं। एंड यार लेट्स गेट स्टार्टेड। बट हमारी बॉडी का ही हिस्सा है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से, पर फिर भी बहुत सारे लोग मुझे एवरीडे कमेंट करते हैं कि हमारे बट पे पिंपल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो बट है ये भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है, जैसे हम अपनी फेस की केयर करते हैं वैसे हमें इसकी केयर भी करनी चाहिए। और इसकी केयर करना बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी ज्यादा फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है। जो भी फेस स्क्रब आप अपने फेस के लिए यूज करते हैं वही थोड़ा सा ले लीजिए और वीक में एक बार आप अपने बट की अच्छे से स्क्रबिंग कर दीजिए एंड दैट्स इट। जो भी आपकी पिंपल की प्रॉब्लम होती है या फिर इचिंग की प्रॉब्लम होती है वो सब दूर हो जाएगी। बट के ऊपर सबसे ज्यादा डेड स्किन की लेयर होती है जो कि स्क्रबर की हेल्प से निकल जाएगी। और इसके बाद आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने बट के ऊपर लगा लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आपके बट फिर से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, पिंपल और इचिंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। नाभि या नेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, बॉडी का एकदम सेंटर होता है वो। बचपन में तो मम्मियां हमारी नाभि साफ कर देती थी, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं अपनी नाभि को साफ करना या क्लीन करना हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं। तो अगर आपकी नाभि में भी बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है तो उसको साफ करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एक ईयरबड ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए या फिर उसको ऑयल में थोड़ा सा डिप कर लीजिए और अपनी नाभि में इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमाइए, सारा का सारा मैल ईयरबड में आराम से निकल के आ जाएगा। अगर आपकी नाभि बहुत ज्यादा गंदी है तो एक बार में साफ नहीं होगा, दो तीन बार लगेंगे, बट ये तरीका बहुत ज्यादा इजी है। अब बहुत सारे लोगों को अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करने का सही तरीका नहीं पता है। अब काफी सारे लोग ये भी कहेंगे कि पीनिस को साफ करने के लिए तरीका क्या होता है, बस साबुन लगाओ साफ करो और हो गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीनिस का जो फोरहेड होता है, जो टॉप होता है, उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जमा होते हैं। अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा वो रह जाता है, टॉयलेट करने के बाद भी जो लास्ट की दो तीन ड्रॉप्स होती है वो भी रह जाती है। इसके अलावा पसीने की वजह से जर्म्स और बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा जनरेट होता रहता है। और अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए आपको साबुन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, साबुन बहुत ज्यादा हार्श होता है, आपके प्राइवेट पार्ट को ड्राई ऑफ कर देता है। तो आपको इचिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो जनरली इसी वजह से होती है क्योंकि आप साबुन यूज करते हैं वहां पे। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए। यूज कर रहा हूं नामिया का इंटीमेट हाइजीन वॉश जो कि बिल्कुल नेचुरल है। इसको आपको थोड़ा सा लेना है, अपने हाथों में अच्छे से मसाज करिए और आपके पेनिस की जो फोरहेड की स्किन होती है उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचिए, अपने पेनिस की टिप को और आसपास की स्किन को अच्छे से साफ कर लीजिए। मैक्सिमम आपको 15 से 30 सेकंड तक रखना है ये, दैट्स इट। उसके बाद पानी से वॉश ऑफ कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ये एकदम सही तरीका है अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करने का, क्लीन रखने का, हाइजीनिक रखने का, क्योंकि आई एम श्योर काफी सारे लोगों को नहीं पता है। अब बात कर लेते हैं कि नामिया का इंटीमेट वॉश क्यों। वेल, इसके अंदर हल्दी और चंदन है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट थोड़े से डार्क हो रहे हैं और आपको उनको ओरिजिनल कलर में लेकर के आना है तो आप ये जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी और चंदन जो होते हैं वो स्किन को ब्राइट करने में काफी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये पैराबीन, SLES और सोप से बिल्कुल फ्री है। आपके प्राइवेट पार्ट के पास अगर इचिंग की प्रॉब्लम है या फिर अगर बहुत ज्यादा बदबू आती है तो उसको भी कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल है तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, सिर्फ 350 रुपए का है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेक श्योर आप एक बार जरूर चेकआउट करिए। बट होल ये भी बॉडी का ही एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो कि हम में से काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। इनमें जब कभी भी वहां पे खुजली होती है तो हम उसको खुजाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगती है। हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्यों हो रहा है यार, पॉटी करने के बाद हमने अच्छे से क्लीन भी किया था, वाइप आउट भी किया था, फिर भी क्यों खुजली हो रही है। तो ऐसा इस वजह से होता है। आप जितना भी टिश्यू पेपर से इसको क्लीन कर लीजिए, थोड़े बहुत जर्म्स रह जाते हैं वहां पे, इसकी वजह से हमें इचिंग की प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक करने के लिए आप दिन में दो बार तो जरूर नहाइए। इसके साथ साथ आप जो भी इंटीमेट वॉश यूज कर रहे हैं उससे अपने बट होल को भी अच्छे से क्लीन करिए एंड दैट्स इट। कानों के जो पीछे का एरिया होता है ये भी बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप अभी अपने कानों के पीछे हाथ लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए मसाज करेंगे तो आपके हाथों में थोड़ा थोड़ा मैल जरूर आएगा। ये इस वजह से है क्योंकि हम इस हिस्से को जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो इसको साफ करना बहुत ज्यादा ईजी है। कोई भी जो पुराना टूथब्रश है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा साबुन लगा लीजिए और कानों के पीछे इस तरह से मसाज करिए। वीक में अगर आप एक दो बार भी करेंगे देन इट्स एनफ, बट ये है बहुत जरूरी हिस्सा, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अब काफी सारे लोगों के जो निप्पल्स का एरिया होता है वो थोड़ा थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है बाय द एज। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन लोगों को डार्क निप्पल अच्छे नहीं लगते हैं
उनको वापस अपना ओरिजिनल पिंक कलर चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा हैक बताता हूँ। जो भी फेस स्क्रब आप अपने फेस पे यूज करते हैं, थोड़ा सा लेकर के अपने निप्पल के ऊपर अच्छे से मसाज करिए सर्कुलर मोशन पे। बहुत ज्यादा आपको हार्श नहीं होना है, क्योंकि जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ज्यादा आपने कस के मसाज कर दी तो वो एरिया थोड़ा सा डैमेज भी हो सकता है, वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बस सर्कुलर मोशन में हल्के से मसाज करिए, 30 दिन के अंदर आपको काफी फर्क दिखेगा। अब लड़कों के तो बॉडी के हर हिस्से में बाल आते हैं, चेस्ट हो, लेग्स हो, हैंड्स हो, बैक हो, और कानों का जो हिस्सा है यहाँ भी बाल आते हैं। कुछ लोगों के टीनेज में एक या दो बाल आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे बहुत ज्यादा बाल आने शुरू हो गए हैं, और गलती वो ये करते हैं कि वहां पे रेजर या फिर ट्रिमर चला के वो बाल हटा देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। अगर आपने यहाँ पे एक बार भी रेजर या ट्रिमर चलाया तो बाल दुगनी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी 20s में निकलना शुरू हो गए तो बहुत ज्यादा खराब दिखते हैं, ऑकवर्ड लगते हैं। तो कभी भी आप यहाँ पे ट्रिमर या फिर रेजर मत चलाइए, हमेशा कैंची लीजिए, उससे काट दीजिए, दैट्स इट। अब बहुत सारे लोग भी जो गाल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा पिचके हुए होते हैं, ये स्पेशली टीन एज में होता है जब हमारी बॉडी ग्रो हो रही होती है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं तो भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से गाल एकदम पिचक जाते हैं। तो अगर आपके भी गाल थोड़े से अंदर हैं या दबे हुए हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़े से फुलर हो जाएं, तो मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं, जो कि मैंने अपने बचपन में भी ट्राई किया था, क्योंकि मेरे गाल भी थोड़े से पिचके हुए थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नहाते टाइम आप थोड़ा सा पानी मुंह में ले लीजिए और इस तरह से आप 30 से 45 सेकंड तक अच्छे से मसाज करिए, उसके बाद जो पानी है आप उसको थूक दीजिए। ये अगर आपने 1 से 1.5 महीने किया तो आपके जो गाल हैं वो थोड़े से फुलर लगने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने गालों को फुलर बनाने का, तो एक बार जरूर ट्राई करें। तो गाइस, ये थे कुछ ऐसे बॉडी केयर हैक्स जो कि मुझे ऐसा लगा कि हम सबको जानने बहुत जरूरी हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, एंड आई एम श्योर कि आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होंगी, बट फिर भी जानने के बाद हम में से काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं या फिर आलस के चक्कर में नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती। तो कौन सी मिस्टेक आप कर रहे थे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये भी आप मुझे जरूर बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, तो वो भी इस यूजफुल वीडियो के बारे में जान पाएंगे। सो मेक श्योर आप ये जरूर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी रील्स और फैशन कॉन्टेंट बनाता हूँ। हियर इज द लिंक, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।